शारदा शक्तिपीठ मैहर में उस वक्त 28 श्रद्धालुओं की जान हलक में अटक गई जब तेज आंधी के बीच रोपवे की 7 ट्रॉलियां हवा में ही हिचकोले खाने लगी। एक ट्रॉली में सिर्फ 4 लोगों के बैठने की इजाजत है, लिहाजा 7 ट्रॉलियों में करीब 28 श्रद्धालु 40 मिनट तक हवा में ही झूलते रहे। इस घटना ने हाल ही में झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे की याद ताजा कर दी। दामोदर रोपवे प्रबंधन ने किसी तरह ट्रॉलियों को धीरे धीरे नीचे लाया और श्रद्धालुओं को उतारा। आंधी और तेज बारिश के बीच मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ में त्रिकूट पर्वत पर श्रद्धालुओं को मां की ड्योढ़ी तक पहुंचाने वाले रोपवे में 7 ट्रॉलियां करीब 40 मिनट तक हवा में ही झूलती रहीं। ये ट्रॉलियां खाली नहीं थी बल्कि हर ट्रॉली में 4 श्रद्धालु बैठे हुए थे। इस तरह 28 श्रद्धालुओं की जान 40 मिनट तक उनके हलक में अटकी रही। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद रोपवे प्रबंधन ने सबक नहीं लिया और रोपवे को चालू रखा, जबकि तेज हवाओं की आशंका के बीच रोपवे का संचालन बंद रखा जाता है। घटना की खबर लगते ही मैहर तहसीलदार मानवेंद्र सिंह ने मौके का मुआयना किया। सतना में आज तेज हवाओं और बेमौसम बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। क्या हवा चलने से पहले कोई वहाँ पे बताया नहीं गया कि कोई असुविधा या कुछ हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे लटकते रहे आप। अरे डर लग रहा था कि जान चली जाएगी। कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा था।